पैर फिसलता फिसलता That's good. Good? Yeah. Almost good. मतलब ये ना आपके भाई बहुत तीखा यार, ये देखो कितने तीखे हैं, देखो पैरों की कट वगैरह लगे हुए हैं, इधर थोड़े कट लगे हैं। Oh, are you good? You're gonna be famous. भाई बारिश तेज आ चुकी है अब, और अब जरा देखो इस जगह को पूरा गीला हो रहा है, मेरा फोन खराब ना हो जाए कहीं। मैं कैसे जाऊं भाई यहां से? तो स्वागत है भाई आप सबका एक और नए ब्लॉग के अंदर, एक और नया दिन और एक और नई जर्नी, सुहाना दिन यहाँ पर कैमरून हाइलैंड्स में हूँ मैं आज, मलेशिया में। और पिछले भाई मैं 4-5 दिनों से कैमरून हाइलैंड में हूँ, आप पहले वाले ब्लॉग देख ही रहे होंगे भाई, इतना मजा आ रहा है कैमरून हाइलैंड में। ये जगह भाई इतनी प्यारी है, इतनी अफोर्डेबल है भाई, सब इससे नीचे है जहां तक आज तक जितने भी हिल स्टेशन में गया हूं ना, हालांकि सबकी अपनी एक अलग पहचान है, सब अपनी जगह बहुत अच्छा है, लेकिन इस जगह ने जो मेरा दिल जीता है, मैं कह सकता हूँ मेरी मलेशिया में फेवरेट प्लेस बन चुकी है ये कैमरून हाइलैंड्स। बाकी आज मेरे साथ है मेरा एक और जर्मन दोस्त गुरकान। हाँ, अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग गुरखा। आई नो द सिक्योरिटी, नो नॉट जस्ट फॉर द सिक्योरिटी, लाइक गुरखाज आर सो ब्रेव, मेबी यू आर ब्रेव। या एक्चुअली दैट्स द मीनिंग ऑफ माय टैटू। यस, फॉर रियल, लाइक रियली। या दिस मींस ब्रेव। एंड व्हाट अबाउट दिस वन? दिस इज जस्ट अ वीडियो गेम कैरेक्टर। ओके, सो दिस इज गुरखा, गुरखा। या तो अभी हम अपनी स्टार्ट कर रहे हैं आज की जर्नी फॉर हाइक, हम जा रहे हैं अभी वापस आज जंगलों में। यहाँ पे ना दरअसल कैमरून हाइलैंड में बहुत सारी हाइक्स है, तो भाई कुछ ऐसे जंगलों से निकलना पड़ता है हाइक्स में, और मजा आता भाई, लेकिन टाइम काफी लग जाता है। और अगर बारिश आ जाए आपके ट्रैकिंग के टाइम तो भाई पूछो ही मत, बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ से निकलना। पिछले 3 दिनों से मैं ट्रैक कर रहा हूँ, और आज का ट्रैक जितना मुश्किल है ना, मेरा चेहरा देख के आप पता लगा ही लिया होगा। और भाई मेरी बैक देखो, मतलब हम ना पूरा पसीने में भीग चुके हैं, इतना हाई अप है। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इन दिस ट्रैक? इट्स बाय फार द हार्डेस्ट ट्रैक आई हैव एवर डन हियर अराउंड द हाइलैंड्स। इट्स इफ यू स्टार्ट इट दिस वे प्रोबब्ली इट्स जस्ट स्टीप, इट गोज अप ओनली अप। सो आई मीन इट्स स्टिल नाइस, आई लव अ गुड चैलेंज, बट इट्स सो हार्ड। आई एम ऑलरेडी ग्रेटफुल फॉर व्हेन वी गेट टू द व्यू पॉइंट। यस मी टू भाई, बहुत हार्ड था। और आपको दिख रहा है भाई ये बादल है, बादल हमारी तरफ आ रहे हैं पहाड़ों के बीचों बीच, हो सकता है थोड़ी देर बाद बादल यहाँ से क्रॉस भी करते हो, मैं आपको दिखाऊंगा भाई। रास्ता देखो सीधा एकदम ना ऊपर की तरफ जाता है सीधा, और ये देखो बादल निकल भी रहे हैं यहाँ से, आप अगर आपको देख रहे होंगे। मुझे नहीं पता वीडियो में कितना इसको आसान समझ रहे हो, लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं है। मतलब मेरी हालत इतनी टाइट थी कि मैं अपना फोन तक बाहर निकाल के रिकॉर्ड करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। अभी हम 2 मिनट के लिए बैठे हैं, तब जाके मैं थोड़ा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो भाई हम लोग पहुँच गए हैं एकदम ऊपर तक, और हालत ख़राब हो गई है, मुझे अपनी टी शर्ट भी निकालनी पड़ी क्योंकि भाई पूरा भीग चुका हूँ मैं। लेकिन यहाँ से मैं आपको नज़ारे दिखाता हूँ सामने भाई, ये जो आप देख रहे हो ना पूरे बादल है। वैसे अगर बादल ना हो तो नीचे आप टाउन को भी देख सकते हो, लेकिन अभी आप टाउन नहीं देख सकते क्योंकि भाई पूरे बादल छाए पड़े हैं। और एक बन खाऊंगा क्योंकि भाई ये ना जो ट्रैक था बहुत हार्ड था, लेकिन कभी कभी आपको बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेस के साथ ट्रैवल करना पड़ता है। और कैमरून हाइलैंड्स मेरी यार पर्सनल बहुत फेवरेट रही है, क्योंकि इतने ज़्यादा ट्रैक से करने के लिए, हालांकि इस वाले ट्रैक के अंदर मेरी हालत टाइट होगी, पर ठीक है। आज तक मैं कुछ ऐसे बन लिया था, स्वीट कॉर्न बन वगैरह, पीछे भाई व्यूज़ देखते देखते खाएंगे। मेहनत करने के बाद खाने का भाई मज़ा ही कुछ और है। बाकी मेरी सजेशन यही है कि अगर किसी ट्रैक पे जाओ, माउंटेन पे जाओ, तो अपने साथ इनफ वाटर और कुछ खाने के लिए ज़रूर रखना, कि अगर आपको कुछ ना भी मिले तो आप अपना काम चला सको। इसलिए मैं हमेशा ना ट्रैक शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें ले आता हूँ, ताकि भाई मैं आराम से खा सकूँ। तो चल पड़े हम लोग वापस नीचे की तरफ, और यहाँ पे भाई लगभग हम ना आधा पौना घंटा बैठ गए थे, कुछ खाया पिया, रेस्ट किया थोड़ा, क्योंकि मेरे पैरों में ना दर्द होने लग गया था। यूजुअली मैं जल्दी थकता नहीं हूँ, लेकिन जो ये ट्रैक था ना, ये भाई बहुत मुश्किल ट्रैक था। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब आप
ऊंचाई पे चढ़ रहे हो ना, उस टाइम आप वैसे ही आपकी सांस फूल रही होती है, ऊपर से आप बोलते हो तो आपकी सांस और फूलती है। तो बस मैं अवॉइड कर रहा था कि जितना कम बोलूं उतना ठीक है। और हमारे गुरखा भाई गुरकन गुरकन he's so good in hitchhikes, he's more than a companion. Yep, we're family now. Yes, we're family. You stuck again? भाई एक ये पौधा है, ये बार बार ना भाई को तंग कर रहा है, मतलब ये ना आपके भाई बहुत तीखा यार। I don't think this is the way. What do you think? No, like look at it, it's too, you know? We lost our... No, we're not lost, we're still on the track. Okay. Just not this way. Come back, I'll hold this plant, otherwise... I was just gonna hold this. Go up. Hey, wait, there's another one. It's not dangerous. But this way is so... Okay. भाई जरा मेरे ना जूते देखो, पूरे ऐसी तैसी हो गई है, और मेरी भी ऐसी तैसी हो गई है क्योंकि हम ना सीधा फिसलते हुए नीचे आए हैं। यस लाइक या माउंटेन शूज ब्रो, आई हैव नॉर्मल स्पोर्ट्स शूज सो इट्स अ डिफरेंस। और भाई देखो फॉग, इट्स सो क्रेजी, वाओ, यू सो लकी इज़न्ट इट। सो हमें जाना है नीचे, तो मैं कैमरा ना नीचे की तरफ रखता हूँ ताकि अगर मैं गिरूं तो आपको दिखा सकूं। भाई साहब इतना फिसलन भरा रास्ता है ना। That was close on camera. Holy shit. Even for me it's closed. Oh. For you it's closed too. Yeah, like having hiking shoes is one thing, but look at this, this is gonna be madness. Oh shit. भाई नीचे रास्ता देखो, सिर्फ ना फिसलने का रास्ता है। ओ भाई साहब आज की जो ट्रेल है, या फिर जो ट्रैक कहूँ, ट्रेल बोल देते हैं यहाँ पे, वन ऑफ द हार्डेस्ट ट्रैक थी एवर, नॉट एवर, नॉट एवर, शिट, पैर फिसलता फिसलता। ओ भाई साहब, भाई मेरे जूते देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे? Should I use this? I would definitely go sideways. So tell like your buddy this way? No, turn other way. This way? Yeah. That's good. You good? Yeah. Almost good. Oh shit! Bhai, main. Good. पता मेरे जूते ना स्पोर्ट्स शूज़ हैं लेकिन वो फिसल रहे हैं बहुत गंदे। और भाई. Foggy. Good. Trust me bro, I'm not doing this for content. I'm genuinely sleeping here. Yeah, if it was for content, that was like the... भाई कसम से मैं किसी भी वक्त गिर सकता हूँ, मैं कितनी बार गिरता गिरता बच गया हूँ। भाई almost died in this jungle. You can say jungle. Yeah, and that's not a clickbait, that's true. That's gonna be a clickbait as well. Okay, careful with this one. I should keep this. Fuck, they have so much traps. Okay. You good? Yep. Alright. Let's go. मैं try करूँगा कि मैं यहाँ पे camera off ना करूँ ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूँ। वो video को like कर देना भाई। Video को like कर देना भाई। अगर नहीं किया है तो subscribe. It's so slippery bro. Yes. I expected like this. हाँ अब थोड़ा सा I think मुझे लग रहा है। I told you. Shit bro. I'm so messed up. मैं कैसे जाऊं भाई यहां से? Okay. जो ये पेड़ की जड़ें है ना ये आपको हेल्प कर देती है पैर जमाने में, जैसे ये हो गया। जब भी मैं कैमरा अंदर रखता हूँ ना मैं फंस जाता हूँ किसी ना किसी में, पैर में लगा ठीक
अभी ना स्लिपरी यहाँ पे बहुत, नो ये सेफ है। और भाई यहाँ पे जंगली जानवर भी काफ़ी है, मतलब स्नैक्स वगैरह भी ईजिली स्पॉट हो जाएंगे आपको। इट्स स्लिपरी। तो अभी हम थोड़ा सा ना भटक गए हैं, थोड़ा सा वापस ऊपर जाना पड़ेगा और उसके बाद हम लोग इस जंगल से बाहर निकलेंगे। मैं आपको मेरी हालत दिखाता हूँ भाई, ये मेरी हालत है जूतों की, पैरों की कट वगैरह लगे हुए हैं, इधर थोड़े कट लगे हैं, ठीक है यहाँ तो ही तो जलने का है, थोड़े बहुत कट है, थोड़ा मुश्किल तो है यहाँ पे यार, पेड़ पौधे बहुत तीखे हैं, बट बहुत ज़्यादा चोट खा ली है आज तो हाथों पे, पैर तो कितने छू लिए मैं बता ही नहीं सकता, मेरी गलती, खैर पैंट नहीं पहनी, लोवर नहीं पहना। You okay? It was just on the neck. Oh shit, you okay? Yeah, yeah. Let me come. I'll fix it. Wait. Yeah. Let's go. वो तीखा वाला भाई के ना गर्दन पे लगा, जो कि बहुत तीखा होता है। और हाँ, back on the train? चलो भाई चलते हैं और आगे। ये देखो भाई, इनके बारे में बात कर रहा था मैं, ये इतने तीखे हैं, ये देखो कितने तीखे हैं, देखो। अरे यार फंस गया। I was stuck. और ये देखो भाई, ऐसे ना अचानक से आपके पैर में कुछ आ जाएगा, ये भी एक अलग ही फीलिंग है। ट्राई करते हैं यहाँ से निकलने का। आज भाई बहुत जगह चोट खाई है मैंने अपनी बॉडी पे, तो हाँ स्पेशली जितने मेरे पैर छुले हैं ना, अगर मैं अपना पैर आपको धो के दिखाऊंगा हर जगह आपको स्क्रैचेस दिखेंगे, तो हाँ ये बात तो है। तो मैं आपको बताता हूँ इस जंगल की खास बात, तो यहाँ पे ना सांप वगैरह देखने तो बहुत ही नॉर्मल है, बिच्छू वगैरह हो गए, मैं शेर और चीता का तो नहीं कह सकता, वो तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि कोई सेंचुरी नहीं है भाई, लेकिन यहाँ पे भाई जानवर बहुत है, और सांप और तो बहुत ही आम बात है देखना, है ना। तो भाई अगर आप अकेले आ रहे हो ना इस जंगल में, तो मे बी आपको थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपको हेल्प चाहिए रहती है जेन्युइनली, लेकिन आपके पास हेल्प करने के लिए कोई होता नहीं है। तो हाँ बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आई नो सब वर्ड्स, बिस्मिल्लाह दे सेइंग बिफोर ईटिंग राइट, या आई एम श्योर। तो ऐसे भाई मस्ती मजाक में आपका सफ़र निकल जाएगा, लेकिन मैं जो कंसर्न हूँ ना वो तीखे पौधों से, मतलब वो ये इतना तेज़ आपको स्क्रैच कर देंगे। Maybe this video virals a lot. Maybe 10 million views. No. You're gonna be famous. Dude, I'm already famous. That was close, man. That was close. किसी ने देखा भाई, किसी ने नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। तो भाई बारिश शुरू हो चुकी है और मैंने मेरी सारी एक्सेसरीज भाई को दे दी, क्योंकि मैं कुछ लाया नहीं अपने आप को ढकने के लिए, तो मैंने अपनी सारी इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज इसमें डाल दी है। भाई ने रेन जैकेट डाल ली, उस भाई ने भी डाल ली, और अब जरा देखो इस जगह को पूरा गीला हो रहा है और मैं जा रहा हूँ। मेरा फोन खराब ना हो जाए कहीं। तो पूरे एक घंटे बाद अब मैं वीडियो शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी तेज बारिश आ गई थी जंगल में और एक घंटे तक हम ना जंगल में भटकते रहे। मेरी हालत देख के पता लग ही गया होगा भाई बारिश कितनी तेज है, मैं पूरा भीग चुका हूँ भाई, जूते से लेकर सब कुछ। और अभी भाई कहीं यहीं पे पहुँचे, सामने व्यू पॉइंट बहुत अच्छा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं बाहर जाने की क्योंकि हमें रास्ता नहीं मिल रहा। काश मैं आपको ना बारिश की वो सीन दिखा पाता अगर मेरे पास गोप्रो होता तो, लेकिन मेरे पास फ़ोन था तो मुझे फ़ोन को अंदर रखना पड़ा। पिछली वीडियो जो आपने देखी वो लगभग एक घंटे पहले की थी, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा। बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी तो मैंने फ़ोन अंदर रख दिया, भाई के पास रेनकोट था। अभी भी भाई हम जा रहे हैं, और अब सोच के देखो भरा जंगल और डेंजरस डेंजरस यहाँ पर भाई पेड़ पौधे हैं, कांटेदार
सांप बिच्छू बहुत नॉर्मल है। दो बार तो मैं देख चुका हूँ, लेकिन उस टाइम मेरा फ़ोन भाई की जैकेट में था क्योंकि बारिश तेज़ थी, तो मैं फटाफट भाई यहाँ से निकल गया, ठीक है। और भाई अभी एक वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है बहुत तेज, मेरा फ़ोन शायद लैग भी हो रहा है, मैं पक्का नहीं कह सकता इसके बारे में। आई थिंक मेरा फ़ोन लैग हो रहा है, मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी फ़ोन मैं अंदर रखता हूँ क्योंकि बारिश फिर से शुरू हो चुकी है। हालत देखो भाई, और मेरे हाथ इतनी बार छू चुके ना तीखे तीखे पौधों से। भाई जंगल के बीच वाटरफॉल जा रहा है अभी, और भाई अगर कोई गिर जाए ना इसमें कहानी ख़त्म है। अभी भी हम जंगल से पूरा बाहर निकले नहीं हैं, हमें अभी थोड़ा और चलना होगा, लगभग आधा घंटा, उसके बाद हम लोग जंगल से बाहर निकल जाएंगे। देखो बारिश अभी भी आ रही है। डोंट गो ब्रदर। ये देखो भाई पानी, ज़रा पानी का बहाव देखो भाई, बहुत ख़तरनाक है यार यहाँ पे। और स्पेशली जब बारिश आती है ना तो ये जगह और भी ख़तरनाक बन जाती है। अब मैं आपको यहाँ से असली व्यू दिखाता हूँ। अब ज़रा देखो यहाँ का नज़ारा, पानी का फ्लो देखो, और ये जंगल के बीचों बीच है भाई। सोचो अगर कोई इसमें गिर जाए तो उसकी क्या हालत होगी। फाइनली हम लोग आ चुके हैं जंगल से बाहर, लगभग दो घंटे तो आराम से लगी गए यार। जो मैंने लास्ट वीडियो जो आपने देखी ना, उससे मेरे को आधा घंटा लग गया अभी, और जब मैं पूरा भीगा हुआ था वहाँ से दो घंटे लग गए। बहुत कंफ्यूजिंग है यार आप लोगों को समझाना, क्योंकि मैंने इतनी चीज़ें फेस कर ली आज। जंगल बढ़िया था यार, एक टाइम पे बहुत डेंजरस लगता है जब आप देखते हो कि भाई आप भीग रहे हो। और मैं आप कह सकता हूँ भाई, यहाँ के जो पेड़ पौधे थे ना इतने ज़्यादा मतलब शार्प थे, आधा बदन छुल गया मेरा। तो बस यार चलते हैं अभी हॉस्टल, और हॉस्टल जाके देखूंगा। पहले मैंने सोचा था कि हाइक के बाद डायरेक्ट खाना खाने जाऊंगा फिर अपने हॉस्टल जाऊंगा, लेकिन अभी मैं सोच रहा हूँ कि पहले सीधा हॉस्टल जाऊं, क्योंकि मैं भाई गीले कपड़ों में हूँ पूरा। तो पहले हॉस्टल चलता हूँ, नहा लूँगा, साफ कपड़े पहनूंगा, उसके बाद मैं इंडियन रेस्टोरेंट चला जाऊँ कुछ खाने के लिए। तो बस एक बार के लिए चलते हैं वापस, बहुत थकावट हो गई है। अभी वेदर भी क्लियर हो गया भाई, मैं हिच हाइकिंग कर लेता लेकिन अभी हम ना पूरे भीगे पड़े हैं, और ऐसी हालत में हिच हाइकिंग करना भाई मेरे को ठीक नहीं लग रहा। पता है अगर हम किसी को रोकेंगे ना वो रुक जाएगा, पक्की बात है वो रुक जाएगा मदद करने के लिए, लेकिन हम पूरे भीगे हुए, हम उसकी गाड़ी गंदा कर देंगे यार। सो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी गाड़ी गंदा करूँ, है ना। अगर मेरी जान पे बन जाती तो मैं ज़रूर कर लेता, लेकिन अभी यहाँ से 20 मिनट की वॉकिंग है, 20-25 मिनट की। अब इतना बड़ा जंगल पार कर लिया तो ये वॉकिंग भी कर ही लेंगे। तो चलते हैं सीधा हॉस्टल है।